गुजरात चुनाव की रणभेरी भी बजी हुई है और गुजरात चुनाव के लिए नॉमिनेशन से लेकर के टिकट बंटवारे की ना जाने कितनी तैयारियां चल रही हैं। लेकिन गुजरात के सूरत में ऐसा हुआ जिसे जानने के बाद या जिसे देखने के बाद असदुद्दीन ओवैसी भड़क भी गए हैं और असदुद्दीन ओवैसी तनाव में भी आ गए हैं। नमस्ते, मैं राशिद, इंडिया न्यूज डिजिटल देख रहे हैं आप। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी गुजरात के सूरत में पहुंचे थे, एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे, लेकिन ऐसे में ही लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए, विरोध प्रदर्शन किया। और सबसे ज़्यादा वर्स्ट जो बात थी असदुद्दीन ओवैसी के लिए वो ये कि उनकी जनसभा में मोदी मोदी के नारे लगने लगे, असदुद्दीन ओवैसी बगले झांकने लगे। और ये वीडियो भी आप देखें। मेरी इज्जतदार मौसी जुल्माए कराम मशाइख फरहान साहब इस वीडियो में कैसे मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं जब असदुद्दीन ओवैसी मंच पर बोल रहे हैं। बड़ी बात यह है कि सूरत में ही मुस्लिम समुदाय के लोग थे जिन्होंने मोदी मोदी के नारे लगाए, जिस वजह से असदुद्दीन ओवैसी को वक्त रहते ही अपनी वो जगह छोड़नी पड़ी। और असदुद्दीन ओवैसी के समझ में आ गया कि आने वाले वक्त में गुजरात में बहुत ज़्यादा दाल गलने वाली नहीं है। हाँ, बिहार के सीमांचल में थोड़ा बहुत उन्होंने कमाल दिखाने की कोशिश की, लेकिन ये गुजरात की धरती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धरती है, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय सियासत के चाणक्य गृहमंत्री अमित शाह की धरती है। ये वक्त रहते असदुद्दीन ओवैसी को भी यकीनन समझ में आ गया होगा।